हेलो। हेलो सर, मैं रिचा बोल रही हूँ। हाँ रिचा, गुड इवनिंग। क्या हुआ, इतनी रात को फोन किया? सर मैं डिनर के लिए जा रही थी तो मैंने सोचा आपसे। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी रिचा, मैं नहीं आ पाऊंगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं डिनर अपना काजल के साथ ही करता हूँ हमेशा। सर ये बात नहीं है, दरअसल मैं डिनर के लिए जा रही थी, आते वक्त लेट हो जाएगा इसीलिए सोचा अभी आपसे पूछ लेती हूँ कि आपका सर दर्द कैसा है। ओह अच्छा, हाँ तो पूछो। सर आपका सर दर्द कैसा है? थैंक यू, बिल्कुल गायब है अब। ओके सर, फिर मैं आपको कल ऑफिस में मिलती हूँ। हाँ कल मिलते हैं। अच्छा सुनो, सुबह अपना निकलने से पहले मुझे फ़ोन कर लेना, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा, ठीक है? ओके सर, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। नीरज खाना लगा हुआ है, किससे बात कर रहे हो? अरे वो रिचा का फ़ोन आया था, उसने पूछने के लिए फ़ोन किया था सर दर्द कैसा है मेरा। इतना ख्याल रखती है ना मेरा वो, मतलब बहुत ख्याल रखती है। उठ जाएगा अनुभव। अरे ऐसे कैसे उठ जाएगा, इतने प्यार से मैंने उसे लोरी गा के सुलाया। आपने उसे लोरी गा के सुनाया? और क्या, और वो सो भी गया। हाँ। बिल्कुल आप पर गया है, आप भी तो कैसे दुनिया भर के शोरगुल में आराम से जाते हैं। वो तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे ऊपर जाए, इसमें तुम्हारे सारे गुण हों, जैसे कि छुपा रुस्तम बनना। क्या मतलब है आपका? मतलब कि तुमने कितनी सफाई से सारी बातें मुझसे छुपा कर रखी। जैसे? तुम तो ऐसे कह रहे जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। पहले हम आपको चाहिए, तुम्हारे मामा आए थे तुम्हारी सारी पोल पर। क्या क्या मामा मेरे बारे में? अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। क्यों तुम्हारे उस पूना वाले अनाथाश्रम के बारे में बता रहे, तुम उनकी मदद करती हो यही से बता रहे, इसमें तो छुपाने वाली बात क्या? ये तो बहुत अच्छा काम है। जी वो मैं आपको देखो, नेक्स्ट टाइम जब भी तुम वहाँ पर जाओगे मुझे अपने साथ जाना मत, ठीक है? मैं भी तुम्हारे साथ थोड़े पुण्य कमा लूँ। वैसे शुरुआत तो मैंने कर दिया, आज मैंने तुम्हारे मामा को 50,000 दे दिया उस अनाथाश्रम के लिए। नेक्स्ट टाइम अपने साथ ले आना मत भूलना। मैं कम इन सर? अरे कहाँ हो तुम, इतनी देर लगा दी तुमने, लेट हो गई हो इतनी ज़्यादा। आई एम सो सॉरी सर। सॉरी मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना, लेकिन सर बैंक गई थी आपके काम के लिए, आप ही का अकाउंट खुलवाना था, रश था इसलिए लेट हो गई। सर प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। कहाँ पे? यहाँ। मैं बड़ी जानी पहचानी है, कहाँ जा रही है? सर आप साइन कीजिए ना। और कहाँ पे करना? कहाँ? सर आपकी टाई किसने बांधी है? काजल ने बांधी। क्यों? सर ठीक नहीं लग रही, आप क्लमजी दिख रहे हैं। तो ठीक कर दो। ठीक लग रहा है? सर साइन। थैंक यू सर। सुनो। यस सर। एक कप कॉफी भिजवा दो। राइट अवे सर। सर। हाँ? आपको ये खुशबू अच्छी लगी? अरे बहुत अच्छी लगी, आ कहाँ से रही लेकिन? सर मुझसे, मेरा फेवरेट परफ्यूम है देवरॉफ। अनुभव सो गया? हाँ। काजल मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। चुप करो सुनीति, उसके मुकाबले में मैंने जो कुछ भी सुना है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन काजल लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कुछ भी किया है इस घर के लिए किया है, उससे बढ़कर इसलिए किया है कि सुधीर और तुम हमेशा जुड़े रहे। इतनी मुश्किल से सुधीर तुम्हारे करीब आया, तुम चाहती हो कि फिर से तुमसे दूर हो जाए। लेकिन काजल, इंसान को इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कि भगवान को भूल जाए। मैं भगवान नहीं हूँ सुनीति। मैं एक मामूली इंसान हूँ सुनीति, जो अपनी परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश कर रही है। काजल, मुझे लड़ने की शक्ति क्यों नहीं है? उस आदमी की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि सुधीर के ऑफिस जाकर उससे भी पैसे ऐंठने लगा है। वो सारी हदें पार कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर पाई। ऐसे सहम कर तुम परिस्थितियों को नहीं बदल सकती। उन्हें बदलने की कोशिश तो करो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम और मैं क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी छोटी बहन है ना, उसकी एक सहेली है सविता। उसके पापा पुलिस में बहुत बड़े अफसर हैं। मुझे लगता है हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो आदमी बार बार आपके पास आता है जी, और वो औरत उस समय उसकी व्यापार जी नहीं। क्या अनाथ आश्रम वाले उस औरत की और उस आदमी की शिनाख्त कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और आपके पास जो एडॉप्शन पेपर्स हैं, वो ऑर्डर में है। जी हाँ, ये रहे। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। इस मामले में हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच अंकल। अब तुम्हें भी थैंक यू कहने की जरूरत है क्या काजल? बाय द वे, नीरज कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। ईशान, ये सब क्या हो रहा है? जब देखो तब काम 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 के अलावा किसी और की सुध है तुम्हें? घर में क्या हो रहा है कुछ मालूम है? तुम एक काम करो, तुम ऑफिस में ही अपना घर बना लो। जब से भावना यहाँ से गई है ना, किसी और के बारे में खबर रखने की जरूरत समझे तुमने? मामा, आप मुझे बताएंगे आपने सुबह सुबह मेरे ऊपर क्यों बरस दी? क्या बात, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। अब ये भी बताने की जरूरत है? अरे अनुराधा के हाथ में इतनी बड़ी चोट आई है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। देखो, भावना अनुराधा को हमारे भरोसे छोड़कर गई, इतना तो ख्याल रख ही सकते हैं ना हम उसका। जी मामा, लेकिन यहाँ ऑफिस में मेरे बगैर। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम आज ही उसे डॉक्टर के पास ले जाओगे, समझे? मामा, मेरी ऑफिस। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। लेकिन मामा। बेटा, आज तुम्हें ईशान डॉक्टर के पास ले जाएगा। जी आंटी, थैंक यू। नीरज, हेलो हेलो, क्या मैं सुनीति खन्ना से बात कर सकता हूँ? जी बोल रही। मैं रुचि की सहेली का पापा बोल रहा हूँ। जी अंकल, कहिए। देखिए, आपने जो हमें एड्रेस दिया था, उस एड्रेस में हमें वो आदमी नहीं मिला। क्या? शायद उसे भनक लग गई होगी, इसलिए वो वहां से फरार हो गया। हमें ये तो मालूम नहीं वो कहाँ गया है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। जी अच्छा। बहुत हो गया तेरा नाटक। चुपचाप मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दे, वरना बर्बाद करके रखूंगा तुझे। व्हाट? तुम तो उसे मेरे ऑफिस। ये तुम्हारा मामा नहीं है? कौन मामा? कैसा मामा? जा मेरे बच्चे को लेकर आ। बच्चा मेरा है। अच्छा, 5 कब से बच्चा चले, घर वालों के सामने नाटक कर रहे, मुझसे डबल क्यों खेलती? क्या बोला था मैं? उससे डबल गेम खेलना तुझे बहुत महंगा पड़ा। 1 मिनट, आप कोई भी हो तमीज से बात कीजिए। तमीज? मैं तमीज से बात करूं? आप जानते हैं आपके घर में क्या हो रहा है? सच्चाई मालूम है आप लोगों को। सच्चाई पता चलेगी तो जमीन खिसक जाएगी और तमीज शमीज सब भूलकर इस औरत को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे आप। वो बच्चा जिसे आप अपना पोता समझते हैं और आप अपनी औलाद, यह है उस बच्चे की मां और उस बच्चे का असल बाप मैं हूं। मैं आखिर आप चाहते क्या हैं? वही जो मेरा है, मेरा बच्चा। रुको, कहां जा रहे हो? और जो मुझे तुम मुझे क्यों रोते हो रोकने वाले? वो बच्चा मेरा है, मेरा है। नहीं चाहूंगा। वो बच्चा तुम्हारा था तुम्हारा वो बच्चा, लेकिन मैंने उसे कानूनन गोद लिया है। तुम उसे छीन के नहीं जा सकते, समझे? क्योंकि हकीकत घर वालों के सामने है, इसलिए मुझे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? ऐसा क्यों किया सुनीति? क्यों? मैंने जो कुछ भी किया आपको पाने के लिए क्या सुधीर? बच्चे की वजह से आप मेरे करीब आ गए थे। जिंदगी में पहली बार मुझे पति का प्यार मिल रहा था सुधीर। मैं लालची हो गई। आपसे ये बताने का साहस नहीं जुटा पाई कि सीढ़ियों से गिरने के बाद हमारा बच्चा नहीं बचा। जरा सा भरोसा नहीं कर पाई मुझ पर, मेरे प्यार पर। मेरे इतनी बार पूछने पर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें क्या परेशानी। बड़ी मुश्किलों से आपका प्यार मिला था, उसे परखने का साहस मुझ में। सुधीर, रेखा। कुछ मत कहिए, कुछ भी मत कहिए। जिस बच्चे को पिछले 8 महीने से मैं अपना पोता समझ रही थी, वो बच्चा। देखो रेखा, मैं ये नहीं कहता कि सुनीति ने जो किया वो सही है, हाँ, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि रेखा, तुम अपने आप को उसकी जगह रख कर देखो ना, तब शायद तुम्हें पता चलेगा कि इतनी बड़ी गलती नहीं हुई उससे। उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उन दिनों जिस तरह सुधीर उसके साथ पेश आ रहा था। लेकिन इतना बड़ा धोखा क्यों? क्या हमने कभी उसके साथ उछा बर्ताव किया है? देखो रेखा, तुम इस घर में सबसे बड़ी हो। तुम इस सिचुएशन को समझ सकते हो। जो हो गया वो किसी भी हालत में हमें इस बच्चे को संभालना, ये जिम्मेदारी हमारी है रेखा। मुझ में ना ही इतनी अच्छाई है और ना ही इतनी हिम्मत। तुम कहो और मैं विश्वास कर लूं? मैं नहीं मानता। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा ये मैं जानता हूं। जिस तरह तुमने नीरज को अपनाया, उसे प्यार दिया, शायद अपने बच्चों से भी ज्यादा। रेखा तुम कोशिश करके तो। नहीं होगा मुझसे, कह दिया ना मैंने, नहीं होगा मुझसे। मैं किसी गैर इंसान के बच्चे को अपना पोता कैसे मान लूं? किया है सुनीति ने सुधीर के साथ, इस परिवार के साथ और मेरे साथ। सुनीति ने अच्छा नहीं किया।